एंड करेक्शन बताया था, इसके अंदर लिखो इन रियलिटी, इन रियलिटी द वेरिएशन इन प्रेशर इज वेरी फास्ट. इन रियलिटी द वेरिएशन इन प्रेशर इज वेरी फास्ट एंड द एयर दस एक्सपेंड्स रैपिडली, एंड द एयर दस एक्सपेंड्स रैपिडली. इन रियलिटी द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, द वेरिएशन इन प्रेशर इज वेरी फास्ट एंड द एयर दस एक्सपेंड्स रैपिडली, एंड द एयर दस एक्सपेंड्स रैपिडली ड्यू टू विच द नोड शिफ्ट्स, ड्यू टू विच द नोड शिफ्ट्स टू एन आउटसाइड पॉइंट, ड्यू टू विच द नोड शिफ्ट्स टू एन आउटसाइड पॉइंट एंड हेंस वी हैव टू अप्लाई एंड करेक्शन, एंड हेंस वी हैव टू अप्लाई एंड करेक्शन. इसीलिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों, एंड करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है. एंड बेटा ईएनडी, एंड हेंस वी हैव टू अप्लाई एंड करेक्शन, ईएनडी एंड करेक्शन. ठीक है, चलो आओ और सुनो. जैसे लास्ट क्लास में हम लोग शायद ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर रहे थे, तो आज कौन सा ऑर्गन पाइप आएगा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को हम लोग कॉप भी बोलते हैं प्यार से. ठीक है, अब देखो ये जो आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह का दिखेगा. क्लोज का मतलब ये मतलब नहीं है कि वो दोनों तरफ से क्लोज हो, एक ही तरफ से क्लोज होता है. ठीक है, ये वाला एंड इसका खुला हुआ है, ये वाला एंड इसका बंद है. ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप ये होता है. अब बताए यहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनना चाहिए? नोड. तो प्रेशर का क्या रहेगा? एंटी नोड रहेगा कि नहीं? इसीलिए यहां पर कहानी जो है ना वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है. चेंज होकर क्या हो जाता है इसके अंदर, देखना. मैं पहले प्रेशर का बना रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट का, ये आप लोग बताएंगे. अब मुझे बताओ ये किसका है, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट? सबको फील आ गई? और ये वाला तो ब्लू चौक किसकी है बेटा, और येलो? येलो से प्रेशर याद आ रहा लोगों को. आओ भाई देखता हूं. सभी को प्रेशर याद आया? एल की वैल्यू बोल, लैम्डा बाय टू या लैम्डा? ना लैम्डा बाय टू ना लैम्डा, इट इज लैम्डा बाय फोर. एक मिनट यार, बातें बंद कर दो ना, कुछ सीख लो. बोलो लैम्डा बाय टू या लैम्डा? लैम्डा बाय. तो बेटा लैम्डा कितनी हो गई? आपको फील तो आ गई होगी क्या होने वाला है. वी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, मतलब एफ इक्वल्स टू, मतलब क्या बेटा? वी बाय फोर एल. समझ में आ गया? अब अगर यहां पे वी बाय फोर एल की कहानी चल रही है, तो सोच अगला जो होगा वो क्या होगा. क्या ये फंडामेंटल हो गया? तो ये तो आपके हाथ में क्या आ गया? फंडामेंटल. अगला केस जो बनेगा इसी लेंथ के ऑर्गन पाइप की बात करते हुए, बोलो भाई कैसा बनाऊं? आप लोग बताओ, क्या एक मछली पूरी बनेगी? कैसी बनेगी बेटा? प्रेशर का बना दूं? देखना भाई, बना ही दूंगा बेटा. बोलो क्या ऐसा? अरे देख मछली बन गई, दिखा आपको. ये प्रेशर का है डिस्प्लेसमेंट का? पता लग रहा है? अब बोलो लेंथ तो अभी भी एल ही है, पर दिस एल इज नाउ इक्वल टू व्हाट? दिस एल इज इक्वल टू, देख ये लैम्डा बाय टू और ये कितना, तो टोटल बोलो. तो इस बार लैम्डा क्या हो गया? तो बोल भाई फ्रीक्वेंसी 3v बाय 4l. समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? अगला बना सकते हो?
अपने आप बना सकते हो? बना के दिखाओ। हाँ नहीं वो तो पता है मेरे को। हाँ 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 वेरी गुड, याद आ गया सबको है ना। बोलो कितनी मछली आगे पीछे? ढाई। क्या पूंछ नहीं होती क्या मछली की? ढाई मछली। कितनी मछली हो गई बेटा बोलो? आप ही बता दो सर। ढाई मछली ठीक है। तो बोलो इस बार एल को क्या लिखना है बताइए? लैम्डा प्लस लैम्डा बाय फोर कितना आएगा? सही है क्या? फाइव लैम्डा बाय फोर का मतलब बेटा इस बार फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है? फाइव वी अपॉन आएगी ना। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर अगर ये फंडामेंटल या फिर क्या है फर्स्ट हार्मोनिक है तो अगले केस के अंदर क्या बन रहा होगा बोलो? सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक? क्या ये v by 4l? Yes, sir. क्या ये 3v by 4l? Yes, sir. क्या ये 5v by 4l? v by 4l का मतलब क्या हो गया? 1v by 4l. क्या ये भी v by 4l था? तो फर्स्ट के बाद कौन सी सेकेंड हार्मोनिक आएगी या नहीं आएगी? तो इसको क्या बोल दूं? या फिर फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन कौन सी है ये? अगले में बोलो पांचवी हार्मोनिक या चौथी? तो ये आपकी हो गई फिफ्थ हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। सभी को समझ में आया? क्या मैं बहुत इजीली इसमें ये वाली बात बोल सकता हूं कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होती हैं, कह सकता हूं? और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाय फोर एल तो क्या इसमें एन को ऑड बोलूंगा? एन हमेशा कैसा है बेटा? ऑड। इससे क्या मेरे को एनथ हार्मोनिक मिलेगी? क्या मिलेगी? एनथ हार्मोनिक। बात समझ आ गई सबको? श्योर हो? एनथ हार्मोनिक। इसको अगर मान लो मैं जनरलाइज भी करना चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता? एक चीज बताना, 2n plus 1 v by 4l ऐसे लिख दूं? ये भी तो चलेगा ऑड में। n की वैल्यू 0 से शुरू कर, n 0 डाल, क्या v by 4l? 1 डालो 3v by 4l, 1 2 डालो तो 5 आ गया। अच्छा सोच, n की वैल्यू 1 से शुरू करेगा तो ओवरटोन मिलेगी? नहीं आया समझ? एन की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन मिलेगी। देख मतलब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में ध्यान देना एन इक्वल्स टू 0 से शुरू करूं तो वो क्या होंगी? हार्मोनिक्स होंगी, समझ रहे हो? और एन इक्वल्स टू 1 से शुरू करूं तो वो क्या होंगी? समझ में आया तेरे को? एन की वैल्यू 1 डालो तो क्या मिलेगा? देख 3v by 4l, क्या वो फर्स्ट ओवरटोन होगी? Yes, चल n की वैल्यू 2 डाल, क्या मिला? तो वो सेकंड ओवरटोन ही तो है। तो n की वैल्यू 1 से अपने को ओवरटोन्स मिलना शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 जैसे जैसे पुट करते रहोगे, और वही n की वैल्यू 0 से शुरू करोगे तो वो क्या होगी? हार्मोनिक्स होंगी। ठीक है, n इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट हार्मोनिक मिल रही है, ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सब बेकार हो जाएगा बेटा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का, ठीक है? साउंड वेव्स का और वेव्स का दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट पाइप जो पार्ट है वो ये ओपन पाइप और ये क्लोज पाइप, और वो जो अपन ने टू एंड्स फ्री और वन एंड फ्री वाला किया था ना, याद करो? दोनों एंड फिक्स कर दिया और एक एंड फिक्स कर दिया। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका, ठीक है? ये आने चाहिए। अब देखो सवाल कैसा आता है, लिखो। अच्छा अभी नोट कर रहे हो? करो करो, डन। अब सुनो, अगर ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर एंड करेक्शन था तो इसमें भी तो होता होगा, तो इसमें लिखो एंड करेक्शन।
एंड करेक्शन इन कॉप. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और वो होता है ऊप, ओपन ऑर्गन पाइप. एक पूरा सब्जेक्ट होता है पता है आपको, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. कॉलेज जाओगे तो मिलेगा. ऊप्स बोलते हैं उसे, ऊप्स. चलो एंड करेक्शन इन कॉप. अरे हो गया ऊप्सी डूप्सी, इधर आ जाओ. एंड करेक्शन. अब देख क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो क्लोज वाले केस में क्या होना होगा, छोटा बन गया क्या, बराबर है, कहाँ से छोटा दिख रहा है. तो बोलो प्रेशर के लिए क्या बेटा, कहानी विल चेंज लाइक दिस. नोड यहाँ मिलेगा, नोड आगे मिलेगा. तो जैसे ही एंड करेक्शन दिया तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाई, ई, और ये क्या क्या है बेटा, एल. बोलो और इस ई की वैल्यू पहले की तरह क्या होगी, बोलो 0.6 R. तो जब इसमें आप लोग एल इफेक्टिव लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, एल प्लस ई, मतलब एल प्लस, इसमें तो बेटा 0.6 ही है ना, एक तरफ से ही तो खुला हुआ है, 1.2 दोनों के अंदर, जब दोनों एंड ओपन होंगे, समझ गया, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, तब क्या हो जाएगा 1.2 R. पर ये तो क्लोज्ड है ना, एक ही तरफ से ओपन था इसीलिए 0.6 R. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करता है. The third overtone of an open organ pipe. The third overtone of an open organ pipe is same as the fourth overtone. Is same as the fourth overtone. Is same as the fourth overtone of a closed pipe. Of a closed pipe. Full stop. Find the ratio of their lengths. Find the ratio of their lengths. आपको length के ratio निकालने हैं दोनों pipes के. ठीक है. अच्छा third overtone, fourth overtone इनका मतलब क्या है, frequency. मतलब इसकी frequency उसके साथ में क्या खाती है, मैच खाती है. वो दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है जो गिवन है आपको. अब जल्दी से देखो किसकी थर्ड ओवरटोन की वैल्यू क्या होती है और किसकी फोर्थ की वैल्यू क्या होती है. चलो बताओ ओपन की थर्ड ओवरटोन का क्या मतलब है. अरे ओपन के अंदर वी बाय 2L चलता था ना, उसमें कुछ मिस होता था. अरे बोलो, ओपन के अंदर तो N माइनस वन ओवरटोन होती थी और N वी बाय 2L चलता था. क्या चलता था यार, इधर ध्यान दिया करो जब मैं बताऊं. N वी बाय 2L की कहानी चलती थी, nth हार्मोनिक होती थी और N माइनस वन क्या होती थी, ओवरटोन. तो थर्ड ओवरटोन की अगर बात की है तो फोर्थ हार्मोनिक रही होगी. फोर्थ हार्मोनिक का मतलब ओपन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 4V/2L. समझ में आ गया. इस लेंथ को L1 मान लेता हूँ, इस लेंथ को क्या मान लेता हूँ. ये कौन सी ओवरटोन लिखी है बेटा, थर्ड ओवरटोन. समझ में आता है. अब क्लोज में कौन सी बोली है बताइए, क्लोज में बोली कौन सी है, फोर्थ. क्लोज में फोर्थ. अब ये देखिए लिखी हुई है, सुन, थर्ड पे फर्स्ट है, थर्ड पे क्या है, या फिर तू सीधे फॉर्मूला काम में ले ले, 2N+1V/4L. N की वैल्यू 4 पुट कर देख क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं. या फिर तू यहां से देख ले, सेकंड ओवरटोन आई है 5 पे, थर्ड आएगी 7 पे और फोर्थ आएगी, नहीं आया समझ, आ गया. तो जो मैं क्लोज के लिए लिखूंगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, L2. ये कौन सी है, फोर्थ ओवरटोन है. इक्वेट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो बोलो क्या आ गया, 4V/2L1 = 9V/4L2. आपको क्या L1/L2 निकालना है, कितना आ रहा है बताओ, L1 इधर गया, L2 यहीं रहा. क्या बेटा ये दो, दो चौके 8, 8/9 आ रहा है भाई.
बहुत ही इजी सवाल था, पता नहीं इतने आंसर निकाल दिए तुम लोगों ने, जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? अगला लिखिए क्या ये बेटा, अब अपने आप करो, आप इसको क्या नोट करने लग गए। लिखो क्वेश्चन, व्हेन अ क्लोज्ड पाइप इज सडनली ओपन्ड, व्हेन अ क्लोज्ड पाइप, क्लोज पाइप को सीओपी या फिर सीपी लिख लिया करो, ठीक है। व्हेन अ क्लोज्ड पाइप इज सडनली ओपन, व्हेन अ क्लोज्ड पाइप इज सडनली ओपन्ड, देन द सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, देन द सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप डिफर बाय 100 हर्ट्ज, सेकेंड ऑफ क्लोज्ड एंड फर्स्ट ऑफ ओपन डिफर बाय 100 हर्ट्ज, फुल स्टॉप। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप, करिए। टू हंड्रेड आएगा क्या? चलो करके देख लेते हैं। 100 आ रहे हैं, चलो लेट्स लुक एट द डेटा, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं, तब पता लग जाएगा। 100 या 200 दो आंसर आ रहे हैं आपके। 100 आ रहे हैं, अरे मैंने किया नहीं, अभी चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, बताओ डेटा तो बता दो। हैं, सेकंड ओवरटोन किसकी बेटा? क्लोज की सेकंड, क्लोज की सेकंड का मतलब क्या हो गया? ठीक है, और ओपन की कौन सी? फर्स्ट, मतलब ये ओपन की, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, 5V/4L बड़ा है, V बाय L बड़ा है, 5/4 बड़ा है, तो हमें क्या दिया हुआ है? 5V/4L माइनस V बाय L इज इक्वल टू, ये सॉल्वेबल नहीं है क्या? तो इससे V बाय L कितना आ रहा है? V बाय L कितना आ रहा है? यार है V/L 400 आ गया। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल होती है V/4L। एक मिनट, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल क्या होती है? तो जब मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल लिखने जाऊंगा तो V/4L करूंगा, तो क्या 400/4 कर रहे? तो आंसर इज 100 हर्ट्ज। कितने लोगों का सही था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आते हैं? थोड़ी सी एक बार फील बन जाती है ना तो समझ में आना शुरू हो जाता है। अब सेम टाइप के क्वेश्चन सुनो, मैंने है ना उस समय देखो वेव्स में आप लोगों को ऐसे, यार बातें क्यों कर रहे हो यार, सुन लो, मैंने इसलिए है ना वेव्स के टाइम पे वो जो ओपन ऑर्गन, ये एक एंड से खुला हुआ और दोनों एंड से बंधा हुआ जो था, उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि सेम वेराइटी होती है। ये जो वेराइटी है ये बिल्कुल क्या है बेटा, उसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनी हुई है और क्या बोलेंगे, एक जिसमें एक एंड ओपन है उसका ये वाला, और जिसमें दोनों एंड बने हुए हैं उसका ये वाला, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, या डिफरेंस ऐसा है या डिफरेंस वैसा है, क्या ये बातें क्लियर है 100%? एक स्टार बना के लिखो, या चल एक पहले सवाल और कर ले, पहले एक और सवाल कर लिख। फाइंड द रेडियस ऑफ अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द रेडियस ऑफ अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फाइंड द रेडियस ऑफ अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड If velocity is 320 meter per second, if V equals to 320 meter per second and F equals to 320 hertz, velocity भी 320 है और frequency भी कितनी है? 320 hertz। हाँ, if
इज 320 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 320 हर्ट्ज़। कर दो जल्दी सर। अब ये सोचो पहले के सवाल में पूछा क्या है, हैं? रेडियस पूछा है तो कौन से फॉर्मूले में रेडियस आता है? एंड करेक्शन वाले में। अप्लाई करो अपने आप आ जाएगा। गलत है वैसे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज्ड की फंडामेंटल मतलब वी बाय फोर एल होगा ना, और 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। फाइव बाय थ्री नहीं आ रहा, 1/6 आ रहा है, 1.6 आएगा। देखो देखो करो, इतना क्या टाइम लगा दिया। अच्छा चलो यहाँ बताओ, एक चीज बताओ, इसमें गिवन क्या है? लेंथ दे रखी है 24, लेंथ कितनी गिवन है बेटा? 24। वेलोसिटी गिवन है कितनी? 320। तो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है? वी अपॉन, तो एल इफेक्टिव लिख दूं इसको, यहां से एल इफेक्टिव निकाल ले। एफ कितनी है? 320। वी कितनी है? अपॉन 4 टाइम्स एल इफेक्टिव। तो यहां से एल इफेक्टिव कितना आ गया? 1/4 मीटर आया। 1/4 मीटर का मतलब 25 सेंटीमीटर भी होता है। अरे बोलो, व्हाट इज 1/4 मीटर? 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? अब ये जो 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस 25 सेंटीमीटर की वैल्यू असली में कितनी बताई गई है? 24 प्लस 1.2 या 0.6? 0.6 आर। कैन यू कैलकुलेट आर? हो गया, नहीं कर रहे थे ऐसे? आप चाहो तो यहां वैल्यू डालते थे भाई, आप ये वाली जो वैल्यू लिखी है ये यहां लिख देते, खत्म। अरे मैंने यार एल इफेक्टिव अलग निकाल के ये अलग लिख दिया। आप चाहते तो ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये आप सीधे यहाँ पे यूज कर सकते थे। ऐसे ही कर रहे होंगे, वो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है जबरदस्ती, और कोई बात नहीं। आंसर सेम आएगा, 1.7 आ रहा है, 1 अपॉन 0.6। 1 अपॉन 0.6 क्या हो गया? 10/6। 10/6 मतलब 5/3। 5/3 इज नियरली 1.66। तो सही तो बोल रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर, ठीक है? अरे आया समझ में? चलो अब स्टार बनाओ और लिखो। लिखाऊं बेटा? लिखिए। लिखो, अरे लिखाऊं? लिखो, म्यूजिकल स्केल्स, हेडिंग डालो छोटी सी, मतलब स्टार बना के लिख लो म्यूजिकल स्केल्स। और ये जो म्यूजिकल स्केल है क्या क्या होती है एक बार सुन लो। असली में क्या, दो तरह की म्यूजिकल स्केल्स होती हैं। एक तो होती है डायटोमिक, जिसे हम सरगम बोलते हैं ना, सरगम होती है डायटोमिक म्यूजिकल स्केल। और दूसरी होती है टेम्पर्ड म्यूजिकल स्केल, जिसमें 13 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? जिन लोगों ने म्यूजिक सीखा हुआ होता है ना, उनको इसके बारे में आइडिया होता है, अदरवाइज इसका आइडिया कम ही होता है दुनिया में लोगों को, ठीक है? तो म्यूजिकल स्केल लिख के इसके अंदर एक दो लाइन लिखते हैं। लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहली कौन सी हो गई? डायटोमिक म्यूजिकल स्केल्स। ये कहां काम आता है ना, ये वाली चीज अभी आपको समझ में आएगी। एक तो होती है बेटा डायटोमिक, ब्रैकेट में लिख लेना हमारी वाली सरगम, सारे गामा पाधा नीसा होता है ना, सारे गामा पाधा नीसा सा नी दा प म ग रे सा 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 रे रे ग ग म म प प द ध नी सा सा। वावा नहीं आता इसमें, वावा नहीं आता। डायटोमिक और टेम्पर्ड, ठीक है? टेम्पर्ड भी नहीं कहते, एक होती है डायटोमिक, दूसरी होती है टेम्पर्ड। इसमें 8 नोट होते हैं बेटा, कितने होते हैं? 8। लिख लो, इट हैज 8 नोट्स। इट हैज 8 नोट्स। 500 की, 2000 की।
तो 500 की लिख ले बेटा, अभी 2000 जितने अभी हुए नहीं। इट हैज 8 नोट्स एंड द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट हैज 8 नोट्स एंड द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड की नोट। यार बातें बंद। इट हैज 8 नोट्स एंड द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड की नोट। क्या बोलते हैं बेटा उसे? बेसिकली फंडामेंटल हो गया की। फंडामेंटल क्या हो गया? की। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो वो भी लिख लेते हैं। एंड द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड की नोट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑक्टेव। OCTAVE ऑक्टेव। ये हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव OCTAVE OCTAVE ऑक्टेव। 8 ही तो नोट होते हैं टोटल, इसीलिए ऑक्टेव बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? अगर आपने कभी सुना हो तो ऑक्टेव नाम की एक कंपनी भी है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, तो वो इसी से निकली है, सरगम से। सारे गामा पाधा नीसा हो गया ना 8। yes, समझे? तो सुर जो है वो 7 नहीं होते, कितने होते हैं? 8। लोग गलत बोलते हैं 7 सुर। आने देना, 2 बार होते तो 8 हैं। किसी ने सीखा है क्या संगीत? है कोई हारमोनियम पे? हाँ बहुत बढ़िया। अगला टेम्पर्ड स्केल में लिखो, टेम्पर्ड में लिखो। इट हैज 13 नोट्स। टेम्पर्ड में कितने नोट्स होते हैं बेटा? 13 नोट्स। हाँ सब लोग नोट डालो, चलो 500 रुपए के जल्दी। 13 नोट्स ठीक है। आगे लिखो इसमें द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी, द रेशो ऑफ, उसी के आगे लिखना है तो फुल स्टॉप लगा के, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सेसिव नोट्स, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सेसिव नोट्स इज 2 की पावर 1/12। रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव नोट्स ठीक है, मतलब 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 इस तरह से जो नोट की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या होगी? 2 की पावर 1/12। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे म्यूजिकल इंटरवल। ये तो स्केल हो गई, अब स्केल के बाद में कौन आएगा? म्यूजिकल इंटरवल। और इसमें लिखो रेशो बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स, रेशो बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटरवल। रेशो बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटरवल ठीक है, म्यूजिकल इंटरवल। अब इसके अंदर है ना टर्म्स काम में लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोले कि नोट्स जो है वो यूनिजन में है, कोई आपसे क्या बोले नोट्स किस में बेटा? तो यूनिजन का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डज यूनिजन मीन? यूनिजन का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। यूनिजन मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम, यूनाइट कर गई। तो यूनिजन मीन्स व्हाट? N2/N1=1। नोट करते रहो, यूनिजन का मतलब होता है N2/N1=1। ठीक है, अगला होता है इसमें ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है N2/N1=2। अगर कोई बोले कि नोट्स आर इन ऑक्टेव तो व्हाट डज इट मीन? कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी रेशो है वो कितना है? 2 है। मान लो हमने पहले वाले जो सवाल किए, मैं उसमें बोलता कि थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप आर इन ऑक्टेव,
तो ऑक्टेव का मतलब तुम क्या निकालते? हाँ, कि एफ टू अपॉन एफ वन की वैल्यू क्या है? टू है. फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर यूनिजन बोलता तो बराबर है. तो अभी जो हमने सवाल किया वो यूनिजन वाला था, और एक सवाल किया डिफरेंस वाला. एक सवाल क्या किया? क्या उन्हीं सवालों को रिफ्रेम करके ऐसा भी बनाया जा सकता है? वेरी गुड. यूनिजन के बाद लिखो मेजर टोन. यूनिजन के बाद लिखेंगे मेजर टोन. मेजर टोन में n2 by n1 इज 9 by 8. मेजर टोन में n2 by n1 क्या होती है बेटा? 9 by 8. ठीक है. अगला लिखेंगे माइनर टोन. मेजर के बाद में कौन आएगी? माइनर. माइनर होता है 10 by 9. ठीक. अगला लिखो माइनर के बाद है? इसमें क्या साइड? माइनर के बाद आता है बेटा, लिख लो सेमी टोन. सेमी, एस ई एम आई, सेमी. सेमी सेमी फाइनल वाला सेमी है ना. 16 by 15. एन टू बाई एन वन है 16 by 15. ठीक है. अगला लिखो फिफ्थ टोन. फिफ्थ, पांचवी, फिफ्थ. सेमी के बाद में फिफ्थ टोन. फिफ्थ टोन एन टू बाई एन वन 3 by 2. एन टू बाई एन वन क्या होता है बेटा? इसमें 3 by 2 हो जाता है. समझ में आया बेटा सबको? चलो इसके बाद में हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स. छोटा सा टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं. Velocity of sound in solids. Basically rod वगैरह जो होता है ना बेटा, उसके बारे में बात करते हैं अपन लोग. किसके बारे में बात कर रहे हैं? रॉड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. अब सुनो क्या करते हैं हम, ध्यान दें. मैंने तुम्हें सॉलिड्स के अंदर वेलोसिटी अलग लिखवाई थी. क्या लिखवाई थी? y बाय रो अंडर रूट. वेलोसिटी क्या लिखवाई थी? अंडर रूट. याद आ रहा है? ये पीछे बातें बंद कर दो बेटा, सुन लो. 2 मिनट की कहानी है, आसान सी. तुम लोग पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है. होता क्या है, हम लोगों ने कोई रॉड ले ली बेटा. क्या ले ली? रॉड ले ली. और उस रॉड को बोलते हैं अपन ने क्लैंप कर दिया. क्या कर दिया? क्लैंपिंग कर दिया. ऐसे बीच में से अटका दिया इसको. ठीक है, बाउंडेड कर दिया इससे. और फिर हम लोग क्या करते हैं ना, इस जगह पे हथौड़ा मारते हैं. क्या करते हैं? हथौड़ा मारते हैं तो रॉड जो है क्या वो वाइब्रेट करेगी? रॉड का वाइब्रेशन जो फंडामेंटल मोड में होगा वो कैसा होगा? एक चीज सोच, ये वाला एंड फ्री है या रुका हुआ है? कौन है? हाँ सर, हाँ आता हूँ मैं अभी. हाँ, तो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एंड फ्री है ना, इसका नोड बनेगा एंटी नोड. अबे ये फ्री नहीं है, ये बंधा हुआ है. क्लैंप है ना, यहाँ पर क्या होगा? नोड होगा. और यहाँ क्या होगा? अगर वहां पर एंटी नोड होगा तो आप लोग बताओ जो डायग्राम बनेगा क्या वो फंडामेंटल के लिए ऐसा बनेगा? ध्यान से देखो. अब अगर इसकी लेंथ क्या है बेटा? एल है. तो इस एल की वैल्यू क्या है? लैम्डा बाय 2. ध्यान दे, ये भी कितना और ये भी कितना? तो लैम्डा बाय 2 ही आएगा. अगर ये लैम्डा बाय 2 है तो लैम्डा कितना है? 2L. लैम्डा कितना है बेटा? क्या तुम्हें ये देखकर ये फील आ रही है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम वैसे ही आने वाले हैं जो ओपन ऑर्गन पाइप के आते थे? समझ में नहीं आया? तो यहां से बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? एफ.
बोलो व्हाट इज एफ? अरे वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 2l, तो क्या हो गया? और v की वैल्यू y बाय रो, v की वैल्यू कितनी है? तो ये वाली वैल्यू क्या पुट करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अगला केस कैसा बनेगा ध्यान देना। पहले अगर हम लोग इसमें अगले केस की बात करें, वापस से इसको वही सेंटर से क्लैंप करके उसी एल लेंथ की रॉड की अगर बात करें, तो आप डायग्राम बना सकते हो अगले केस का, फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट हायर का। ये वाला एंड तो फ्री रहेगा ना, यहाँ भी फ्री रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा? एक डब्बा पूरा आ जाएगा। तो ये देखो, ये फ्री और ये एक डब्बा पूरा, बोलो सही है क्या? ये एक डब्बा पूरा और ये फ्री, क्या यहाँ भी सेम? एक पूरा एक फ्री, एक पूरा एक, नजर आया? इस बार लेंथ बोल, लैम्डा तो यही हो गया भाई, लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर, तो टोटल क्या हुआ? थ्री लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू। तो हमारे पास जो लिखने में आएगा इस बार, एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय टू, मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाय 3, दिख गया? लैम्डा की वैल्यू 2L बाय 3 होने से मेरे पास में जो आप फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई बोलो? 3V बाय, ध्यान दे ये ओपन ऑर्गन पाइप है क्या? ये ओपन ऑर्गन पाइप है, देख पा रहे हो आप? देख यहाँ पे कहानी बदल गई पूरी, तो इसको उससे कंफ्यूज मत करना कि वैसा ही चलता है, कहानी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये वाला रिजल्ट अलग आ गया, ये वाला रिजल्ट अलग आ गया, और वो क्लोज्ड का भी नहीं है, उसके अंदर v बाय 4l चलता था, यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? v बाय, तो दोनों कहानियाँ अलग अलग है, v बाय 2l अलग होता है और v बाय 4l अलग होता है, तो ये बिल्कुल अलग है इसलिए। पर क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ये समझने में दिक्कत थोड़ी ना आई है। अब अगर मान लो तुम्हें फ्रीक्वेंसी और लेंथ दे दे तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी? कोई दिक्कत आएगी? अब बोल अगला क्या बनता होगा? 5v by 2l, कैसे odd multiples of v by 2l आएंगे? खत्म। यहाँ से हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं? velocity। तो एक clamped part का खेल है सारा। कौन से part का खेल है? clamped part का, कि वो किस तरह से clamp हो रखा है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं सभी लोगों को? इसके बारे में और प्रकाश डालेंगे अगली क्लास में, ठीक है? अच्छा सुनो, मैंने अभी तुम लोगों को SHM में क्या क्या दे रखा है सिर्फ, तो एक काम करना है SHM एक्सरसाइज 4 का लेवल 1, 2 का लेवल 1 किसमें? 4 का लेवल 1 बोल रहा हूं। अरे पर इजी है वो, आप करके देखोगे ना SHM के सवाल यूं हो जाएंगे, 4 का लेवल 1 और 2 का लेवल 1।